Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from government model senior secondary school 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 8th chapter that is cell the unit of life and we have discussed in detail about the structure of prokaryotic and eukaryotic cell, plant cell, animal cell and the structure and function of cell wall, cell membrane and cytoplasm. And today we will start the study of cell organelles. Dear students, today we are going to study some of the cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles, ribosomes, and peroxisome. We will study about the structure and functions of these cell organelles one by one. सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट सेल ऑर्गेनाली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट वॉज डिस्कवर्ड बाई दाइंटिस्ट पॉटर एंड थॉमसन इन द ईयर नाइनटीन फोर्टी फाइव एज अ नेटवर्क स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क के फॉर्म में है एक जाल के फॉर्म में है एंड इट इज़ थ्रू आउट स्प्रेड इन दाइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इट इज़ अ थ्री डी इंटरकनेक्टेड सिस्टम है मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स का इस तरीके से मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और ये सभी जो चैनल्स हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर रनिंग थ्रू आउट दी साइटोप्लाजम एंड दीज फ्लैट इंटरकनेक्टेड चैनल्स लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस फ्लैट इंटरकनेक्टेड चैनल्स दीज आर नोन एज स्टरनी और सिस्टर्न्स। नाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली जो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है दैट इज हैविंग थ्री कंपोनेंट्स फर्स्ट इज़ दिसटरनी सिस्टरनी जो है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैट एंड अनब्रांच सैक लाइक एलिमेंट्स लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर दीज आर दी सिस्टरनी दीज आर मेड अप ऑफ फ्लैट अनब्रांच्ड सैक लाइक एलिमेंट्स और ये सभी जो हैं दे आर लाइंग पैरल टू वन एन अदर और देखा जाए तो ये आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड है और सेकेंड कंपोनेंट होता है इसका टूब्यूल्स टूब्यूल्स जो हैं वो इरेगुलर लाइक वी कैन सी इन दिस फिगर दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स विच हैव फॉर्म्ड अ नेटवर्क अलोंग विद दी अदर एलिमेंट्स और लास्ट कंपोनेंट होता है इसका वेसिकल्स वेसिकल्स जो हैं ये इस तरीके से ओवल या राउंडेड वेक्यूल लाइक एलिमेंट्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म ये इस तरीके से सेपरेटली जो है वो प्लेस्ड होते हैं नाउ स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट दी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इट इज़ ऑफ टू टाइप्स first is smooth endoplasmic reticulum and second is rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum is also known by the name granular endoplasmic reticulum and smooth is known by the name agranular endoplasmic reticulum now what are smooth endoplasmic reticulum on smooth endoplasmic reticulum like we can see in this figure ribosomes they are absent whereas on rough endoplasmic reticulum like we can see in this figure these black dots which are present on the surface of endoplasmic reticulum these are the ribosomes so on rough endoplasmic reticulum ribosomes they are present now students the smooth endoplasmic reticulum, this is made up of tubules and vesicles. And the rough endoplasmic reticulum, this is made up of cisternae. Endoplasmic reticulum ke teen components hai? Cisternae, tubules, and vesicles. The smooth endoplasmic reticulum, they are made up of tubules and vesicles. And the rough endoplasmic reticulum, this one, this is made up of cisternae. Clear, students? Now, next.

स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ओरिजिन क्या है स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक वी कैन सी इन दिस फिगर आल्सो कि ये जो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है दिज आर कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन तो इनका ओरिजिन क्या है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है एंड दे आर स्प्रेड थ्रू आउट दाइटोप्लाजम लाइक अ स्केलेटन एक स्केलेटन की तरह एक ढांचे की तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होती हैं सो दीज आर कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी ऑल नो दैट राइबोसोम्स दे आर एब्सेंट इन रफ राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट now because ribosomes they are known as protein factories they help in the synthesis of proteins so rough endoplasmic reticulum is the site of protein synthesis processing and packaging whereas smooth endoplasmic reticulum this is the site for the synthesis of lipids and steroid hormones no protein synthesis is taking place here सो इट इज मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स लाइक एडिपोसाइड्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ऑफ टेस्टिस ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं लीवर के एड्रोनल कॉटिक सेल्स हैं मसल सेल्स हैं जहां पर लिपिड स्टोर है देअर smooth endoplasmic reticulum is present and the places where protein synthesis is taking place like pancreatic acinar cells goblet cells antibody producing plasma cells nissl's granules of nerve cells here rough endoplasmic reticulum is present now students what is the function of endoplasmic reticulum it provides large surface area for various activities which are taking place within the cell नेक्स्ट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द कलॉडियल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मैंने भी बताया कि यह स्केलेटन का काम कर रहा है सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ये पूरी तरीके से स्प्रेड है इन दी साइटोप्लाज्म इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट विद इन दी सेल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटीरियल्स का दैट इज टेकिंग प्लेस विद दी हेल्प ऑफ दिज एंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स प्रिकर्स हम आगे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स गोल्जी अप्रेटर्स जो है वो सिक्रिट्री सब्सटेंसेस बनाता है इन सिक्रिटरी वेसिकल्स दी सिक्रिटरी वेसिकल्स दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट दे गिव राइज टू वेक्यूल्स वेक्यूल दीज आर फॉर्म्ड फ्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज हेल्पिंग इन द सिंथिस ऑफ प्रोटीन्स और जब ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ज्वाइन करते हैं दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स स्मूथ जो है दैट इज दाइट फॉर लिपिड सिंथिसिज लाइक फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉयड्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स दैट इज नोन एज सार्को रेटिकुलम और सार्को रेटिकुलम जो है दैट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्लस डी जो केमिकल्स का हो रहा है मटीरियल्स का हो रहा है हमारी बॉडी में जो कई टॉक्सिक बॉडीज़ जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं टी हो जाती हैं तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स दैट इज टेकिंग प्लेस इन एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स राइबोसोम्स राइबोसोम्स दे वर डिस्कवर्ड बाई पैलेट जॉर्ज पैलेट एंड देयर फॉर दीज राइबोसोम्स दे आर नोन बाई द नेम पैलेट पार्टिकल्स सो दीज राइबोसोम्स दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स Ribonucleoproteins means these ribosomes they are made up of ribosomal RNA plus basic proteins. They are made up of ribosomal RNA plus proteins. Therefore, they are known as riboproteins because they have RNA plus they have proteins. So, these are known as ribonucleoproteins. Now, they function as the site of प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ठीक है प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है स्पेशली दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन दी राइबोसोम्स एंड देयर फॉर दीज राइबोसोम्स दे आर नोन एज वॉट दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज दे आर सब इन आउटलाइन इन देम मेम्ब्रेन एबसेंट है ठीक है जैसे हमने एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम uh, में किया एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम्स दैट इज मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली है ठीक है in ribosomes these membranes these are absent and they are found clearly in the cytosol और दे आर फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है या तो ये फ्रीली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में या फिर दे आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही हैं ठीक है फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो भी सिंथेसिस करवा रही हैं प्रोटीन्स की फॉर यूज इनसाइड द सेल ठीक है विद इन द सेल अगर कोई प्रोटीन यूज होना है दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम दी फ्री राइबोसोम्स एंड अटैच जो राइबोसोम्स हैं वो ऐसे प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे विच आर विच विल भी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशं जो जब किसी प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन करनी है आउटसाइड द सेल सो दैट प्रोटीन्स दे आर फॉर्म्ड फ्राम दोज राइबोसोम्स विच आर अटैच टू द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट part that is the ribosomes now the third organelle that is the golgi complex or golgi apparatus golgi complex like endoplasmic reticulum this is again made up of membranes like cisternae tubules and vesicles like we have just studied that endoplasmic reticulum it is also made up of flattened sacs called cisternae and interconnected channels called tubules and spherical or sac-like vesicles. So, same structure students Golgi complex ki bhi hai. Golgi complex is also made up of cisternae, tubules and vesicles. And Golgi complex, they were first seen by George in 1867, but named after Camillo Golgi, who in 1898 recognized its रेटिकुलर स्ट्रक्चर रेटिकुलर स्ट्रक्चर मीन्स जाल के फॉर्म में एक नेटवर्क के फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर है ये भी लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इसकी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है एक जाल की तरह स्ट्रक्चर है न वट इज द फंक्शन्स ऑफ एंड वट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटर्स फर्स्ट है सिक्रीशन ऑल ग्लैंडुलर सेल्स डिपेंड अपॉन गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर कंसनट्रेटिंग एंड पैकेजिंग देअर प्रोडक्ट्स इन साइड अ सॉल्यूबल प्रोटीन कोड जितनी भी सेल्स हैं बॉडी में जो कि सिक्रीशंस सिक्रीट करती हैं जो कि ग्लैंडुलर हैं जिनका काम है कुछ सिक्रीशंस फॉर्म करना उन सभी सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट जो है दैट इज इन लार्जर क्वान्टिटीज क्योंकि इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने ही सिक्रीटंस को कंसंट्रेट करना है अपने अंदर और उनकी पैकेजिंग करनी है और उसको ट्रांसपोर्ट कराना है आउटसाइड दी सेल्स सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिट्स ठीक है सो so प्रोटीन्स जैसे अगर नाउ दीज वी कैन ऑल्सो इन दिस फिगर दैट ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है दीज आर अटैच्ड विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स जो हैं वो आ रहे हैं इन ट्रांसपोर्ट वेसीकल्स तो ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर ज्वाइंड विद कार्बोहाइड्रेट्स विद इन दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन्स ठीक है या लिपिड्स अगर फॉर्म्ड हो रहे हैं तो दीज लिपिड्स दीज आर कमिंग इन दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड देयर दे आर ज्वाइनिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स सो वी ऑल नो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे आ रही हैं इन टू दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आके इनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी जैसे प्रोटीन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़ के ग्लाइको प्रोटीन्स बना देंगे जो लिपिड्स हैं वो ग्लाइको के साथ अटैच होकर ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे सो so, इस तरीके से न्यू कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है फॉर्मेशन ऑफ सियालिक एसिड एंड गैलेक्टोज दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस विद इन दॉलोजी कॉम्प्लेक्स फैट की ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और लाइसोजोम्स की फॉर्मेशंस और सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्मेशंस दैट इज आल्सो टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ गोल्जी एपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाउ अगेन सी दी स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये जो गॉलजी कॉम्प्लेक्स है इसके दो फेजेस होते हैं एक होता है स्टूडेंट सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस ट्रांसफेज सिस फेज के साथ ये जो सिस फेज है ना दिस इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस को फेस कर रहा है और जो ट्रांस फेज है स्टूडेंट दिस इज़ फेसिंग द सेल मेम्ब्रेन ये आउटर साइड पे है ये इनर साइड पे है और जो सिस फेज है लाइक वी कैन सी हेयर ऑल्सो कि दिस इज दिस फेज एंड दिस इज द ट्रांस फेज सो सिस फेज जो है दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और फेज जो है दिस इज अटैच विद द एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम अब एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में अगर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है या कोई लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है सो दैट विल कम टू दी कॉम दैट विल कम टू द गॉलजी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कैसे आएगा स्टूडेंट्स बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है वो प्रोटीन या लिपिड को लेके आएगी फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज़ करेगा विद द मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो उस मटीरियल की लिपिड की या प्रोटीन की वो फर्दर प्रोसेसिंग होगी विद इन दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट विल बी सीक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ वॉट इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल सो कोई भी प्रोटीन या लिपिड जो है वो आ रहा है इन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू सिस फेज बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल विद इन द कॉम्पोलजी कॉम्प्लेक्स उस पर्टिकुलर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो रही है जैसे वो प्रोटीन या तो ग्लाइको प्रोटीन बना रहा है या कोई पर्टिकुलर लिपिड ग्लाइको लिपिड बना रहा है और फिर उसकी फर्दर पैकेजिंग होगी बाई दी कॉम्प्लेक्स इन दी फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स ठीक है तो आया तो वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू आया इन टू दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वो रिलीज हो रहा है फ्रॉम दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स आगे सिक्रीशन को पोर कर देंगे आउटसाइड दी सेल और इस तरीके से सिक्रीशंस दे विल भी रिलीज आउट फ्रॉम दी सेल बाई दी प्रोसेस ऑफ एक्जोसाइटोसिस क्लियर स्टूडेंट्स तो इस तरीके से Uh, जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हैं दे आर डूइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस नाउ स्टूडेंट्स दी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाली इज लाइसोजोम्स लाइसोजोम्स भी स्टूडेंट स्मॉल वेसिकल्स बाउंडेड हैं बाई सिंगल मेम्ब्रेन ठीक है तो so, इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड uh, ये भी ऑर्गेनालीज हैं और बट ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज हैं दे कंटेन वॉट दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ठीक है कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स प्रोटीएस फैट्स को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम लाइपेसिस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम न्यूक्लियसिस सो अ नंबर ऑफ एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट विद इन दीज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड लाइसोजोम्स ठीक है

ठीक है सो so पी अगर वैल्यू सेवन से कम है दैट इज नोन एज एसिडिक वैल्यू सो लाइसोजोम्स दे वर्क एट दी वैल्यू ऑफ पी एच इक्वल टू फाइव एंड लाइसोजोम्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोजोम्स जो है दीज आर फॉर्म फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स Now, next, what are the functions of these lysosomes? Very important function has students intracellular digestion within the cell. Intra means within. सेल विद इन द सेल जो मटीरियल्स की डाइजेशन हो रही है स्टूडेंट्स दैट इज टेकिंग प्लेस विद दी हेल्प ऑफ वॉट लाइसोजोम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन हो रही है वो कैसे होगी बिकॉज दीज लाइसोजोम्स दे कंटेन एंजाइम्स तो वो अपने एंजाइम्स को आउटसाइड दी सेल रिलीज कर देंगे बाई दी प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस सो इस तरीके से क्या होगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी नाउ स्टूडेंट्स इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होती है सबसे पहले ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स प्राइस प्राइमरी लाइसोजोम प्राइमरी लाइसोजोम जो है वो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोजोम है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है बट ये हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स इसके अंदर अभी इनएक्टिव फॉर्म में है अब सपोज कोई वेसिकल जो है एंडोसोम जो है वो सेल के अंदर आया है एंड दिस इज कंटेनिंग अ पर्टिकुलर फूड मटेरियल और इस फूड को क्या करना है डाइजेस्ट करना है अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये फ्यूज करेगा इस फूड वैक्यूल के साथ ठीक है और वेन दिस प्राइमरी लाइसोजोम इट विल फ्यूज विद दिस फूड वेक्यूल नाउ इट इज़ नोन एज वॉट सेकेंडरी लाइसोजोम ठीक है तो सेकेंडरी लाइसोजोम कैसे बना है प्राइमरी लाइसोजोम और फूड वेक्यूल के फ्यूजन से बना है अब होगा क्या कि प्राइमरी लाइसोजोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर देंगी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिलीज्ड हो जाएंगे फ्रॉम दी लाइसोजोम मेम्ब्रेन इन टू द साइटोप्लाज्म वो सारे साइटोप्लाज़म में रह जाए साइटोप्लाज में मूव कर जाएंगे एंड नाउ दिस लाइसोजोम इट विल कंटेन ओनली दी वेस्ट प्रोडक्ट्स अब इसके अंदर सिर्फ वेस्ट रह गया है क्योंकि सारा का सारा जो न्यूट्रियट है वो बाहर साइटोप्लाजम में क्या कर गया है मूव कर गया है सो so दिस इज़ नोन एज वॉट रेजिडुअल बॉडी या इसको हम टर्शरी लाइसोजोम कहते हैं सो टर्शरी लाइसोजोम में सारा अनडाइजेस्टेड मटीरियल जो है वो रह गया है और ये सिक्रीट आउट हो जाएगा फ्रॉम द सेल बाई दोसेस ऑफ एक्जोसाइटोसिस सो इस तरीके से लाइसोजोम जो हैं स्टूडेंट्स वो फूड मटीरियल्स की डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये जो लाइसोजोम्स हैं स्टूडेंट्स ये हमारे ल्यूकोसाइड जिनको डब्ल्यू कहते हैं डब्ल्यू बी सी दीज आर नोन एज सोल्जर्स और स्केवेंजर्स ऑफ अवर बॉडी ठीक है तो ये जो डब्ल्यू होते हैं जिनको हम सोल्जर्स कहते हैं या स्केवेंजर्स कहते हैं अपनी बॉडी का इनके अंदर ज़्यादा नंबर किसका है लाइसोजोम्स का प्रेजेंट है सोल्जर्स क्यों क्योंकि अगर बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट uh, आ रहा है बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है जो हमें डिजीज़ कॉज करता है तो उसकी ये किलिंग करेंगे उसको मारेंगे कैसे विद दी हेल्प ऑफ दीज लाइसोजोम्स जो कि प्रेजेंट है विद इन दी डब्ल्यू बी सी तो सोल्जर्स हो गए दूसरा क्या है स्केवेंजस स्केवेंजस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कई सेल्स की जैसे डेथ हो रही है तो डेड सेल्स हमारी बॉडी में फॉर्मड होते हैं तो इन डेड सेल्स को भी खत्म कौन करता है इनको कौन ख़त्म कर रहा है स्टूडेंट्स लाइसोजोम्स कर रहे हैं इनका ये जो रोल है कि ऑटो ये लिसिस कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर ये ऑटोफेजी का रोल है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स बनते हैं तो उन डेड सेल्स को भी डीकम्पोज कौन कर रहा है उनको डाइजेस्ट कौन करता है लाइसोजोम्स कहते करते हैं और उनके इसी रोल के कारण लाइसोजोम्स को हम सुसाइड बैग्स के नाम से जानते हैं और उनके इस फंक्शन को हम ऑटोलेसिस के नाम से भी जाना जाता है सो so, ऑटोफेजी भी हो गया ऑटोफेजी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं उसमें टेल प्रेजेंट होती है ठीक है और जब वो लार्वा जो एडल्ट बनाता है तो उस एडल्ट में से हम देखते हैं कि टेल जो है वो डिसअपेयर हो जाती है तो लार्वा में जो टेल प्रेजेंट है वो कैसे डिसअपेयर होगी बाई दीज एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन दीज लाइसोजोम्स ठीक है तो लाइसोजोम्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं वो टेल को डाइजेस्ट करती हैं और उस डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं उस न्यूट्रियट्स से नए ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर रही है इन दी एडल्ट फॉर्म स्टूडेंट्स क्लियर हो गया सो दिस इज़ अबाउट दी ऑटोफेजी और ऑटोलिटिक रोल विच आर परफॉर्म्ड बाय दीज लाइसोजोम्स तो ये फंक्शंस हैं लाइसोजोम्स के तो हमने देखा कि लाइसोजोम्स जो हैं वो इंट्रा सेलुलर डाइजेन कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेश्शन कर रहे हैं इनका नंबर जो है वो डब्ल्यू में बहुत ज़्यादा है इसलिए सोल्जर्स और स्केवेंजर्स का, का काम करते हैं इनके स्कैंजर्स के रोल के कारण कि हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स बन रही हैं उनको भी डिकम्पोज किसने करना है लाइसोजोम्स ने करना है देयर फॉर दीज लाइसोजोम्स दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स या इन्हें हम रिसकलिंग यूनिट्स के नाम से जानते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाली है वैक्यूल वैक्यूल जो है वो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज हैं प्रेजेंट इनसाइड साइड दी साइटोप्लाज्म और वैक्यूल की मेमब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स टोनोप्लास्ट ठीक है नाउ ये जो वैक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स पहले हैं सैप वैक्यूल्स सैप वैक्यूल्स जो है वो फ्लूड फिल्ड वैक्यूल्स हैं पानी से भरे हुए वैक्यूल्स हैं इनमें पानी के साथ साथ कई न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं फिर हमने कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स के भी बारे में पढ़ा जितनी भी एल्गल सेल्स हैं या प्रोटिस्टा हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन में शरीर के अंदर पानी या सॉल्ट का बैलेंस बनाना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तीसरे फूड वैक्यूल्स हैं जो कि फेगोसोम वही फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोजोम के फ्यूजन से जो बना सो फूड वैक्यूल्स हैं और लास्ट में एयर वैक्यूल्स भी होते हैं जो एयर से फिल्ड होते हैं और जो कि बायसी में हेल्प करेंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को थोड़ा हल्का बनाएंगे लाइट बनाएंगे सो दैट कि वो इजीली फ्लोट कर सके ओवर द सरफेस ऑफ वाटर सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेक्यूल एंड वी कैन सी हेयर दैट द मेम्ब्रेन ऑफ द वेक्यूल दिस इज नोन एज वॉट टोनोप्लास्ट सो टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ़ दी वैक्यूल सो वैक्यूल जो है वो सिंगल मेंब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली है विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स और कई प्रोटिस्टा एनिमल और बैक्टीरियल सेल्स भी में भी प्रेजेंट है एंड दीज आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल्स जैसे अभी हमने देखा कि फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोजोम के फ्यूजन से बना है फूड वेक्यूल तो इस तरीके से वेक्यूल्स जो हैं, वो कई वे, वेसिकल्स के फ्यूजन से भी फॉर्म्ड होता है एंड व्हाट इज देयर फंक्शन सबसे पहला है कि, कि किसी भी प्लांट ऑर्गन को जो टर्जिड करना है ठीक है सो उसके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना के रखना है तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होता है बाय दीज वैक्यूल्स तो कई प्लांट ऑर्गन्स जो हैं वो टर्जिड रहते हैं खिले रहते हैं पत्तियाँ खिली हुई हैं ठीक है थीके? फूल जो हैं वो खिले हुए हैं तो इनकी ब्लॉसमिंग में ठीक है टर्जिडिटी में कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वैक्यूल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है तो वो टॉक्सिक मटेरियल सेल कहाँ पे इकट्ठा करके रखती है स्टूडेंट्स विद इन दी वैक्यूल वो वैक्यूल के अंदर उसे एक्यूमुलेट करके रखेगी ताकि उस टॉक्सिक सब्सटेंस का सेल के दूसरे कंपोनेंट्स पे कोई अफेक्ट ना हो ठीक है उसके बाद एक एसिडिक इंटरनल पीएच जो है वो मेंटेन करके रख रही है जैसे अभी हमने देखा कि ये जो है फेगोसोम uh, जो हैं ये प्राइमरी लाइसोजोम के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे सेकेंडरी लाइसोजोम्स बनाएंगे और इन सेकेंडरी लाइसोजोम्स को हम क्या कहते हैं दीज आर नोन एज व्हाट फूड वेक्यूल्स तो फूड वेक्यूल्स का पीएच वैल्यू कैसी है एसिडिक है तो एसिडिक पीएच वैल्यू जो है ये मेंटेन करके रखते हैं और अनवॉन्टेड सब्सटांसिस को विद इन दी सेल्स ठीक है या फ्रॉम दी सेल्स सॉरी रिमूव करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं नेक्स्ट लास्ट है स्टूडेंट्स परॉक्जीजोम्स परॉक्जीजोम्स जो है वो अगेन मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो ऑर्गेनाली है ठीक है और इसके अंदर हम ये देखें तो एक कोर प्रेजेंट है एक सेंट्रल पार्ट प्रेजेंट है इस परॉक्जिजोम के अंदर एंड दिस सेंट्रल पार्ट दैट इज़ मेड अप ऑफ यूरेट ऑक्सीडेस ये यूरेट ऑक्सीडेस का बना हुआ है इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा परॉक्सीजोम की स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करती है विद दी लाइसोजोम सिर्फ ये था कि लाइसोजोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है एंड डीज आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाउ इ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो परॉक्सीजोम्स हैं स्टूडेंट्स उसमें दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं एक होती है ऑक्सीडेज और दूसरी होती है कैटाइज ऑक्सीडेज क्या करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई वेस्ट मटीरियल जैसे यूरिक एसिड है वो फॉर्म्ड हो रहा है ठीक है यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड को ये जो एंजाइम है ऑक्सीडेज ये इसे चेंज कर देगी इन हाइड्रोजन परॉक्साइड एच अब ये जो हाइड्रोजन परॉक्साइड है दिस इज़ वेरी टॉक्सिक इसे हमें बॉडी में ज्यादा देर एक्मुलेट करके नहीं रखना चाहिए तो दूसरी एंजाइम जो कैटलेज है स्टूडेंट्स वो इस एच को तोड़ देगी इंटू वाटर एंड ऑक्सीजन सो इस तरीके से दो एंजाइम्स है एक ऑक्सीडेज है ऑक्सीडेज यूरिक एसिड को ब्रेकअप कर रही है इंटू एच टू ओ टू एच टू ओ टू अगेन टॉक्सिक है तो कैटलेज जो है इसे फर्दर ब्रेक कर रही है इंटू वाटर एंड ऑक्सीजन Okay? And both of uh, these components, water and oxygen, they are non toxic. Clear? So, this is the function of, of about. परॉक्सीजोम्स सो फंक्शंस क्या हो गए एच टू ओ टू की मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी को ठीक है फोटो ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में भी फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसमें परॉक्सीजोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिपिड्स की बायोसिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल या डोलीचोल जो है इनकी सिंथेसिस में विद इन दीज सेल्स दैट इज़ टेकिंग प्लेस बाय दी हेल्प ऑफ परोक्सिजोम्स बाइल एसिड्स की सिंथेसिस इन दी लीवर ठीक है एंड प्लाज्मा लोजेंस जो कि माइलिन शीत की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं अराउंड दी नर्व सेल्स ऑल ऑफ दीज फंक्शंस दीज आर परफॉर्म बाय दी परॉक्जीसोम्स सो स्टूडेंट्स दिस वाज़ ऑल अबाउट अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनालिस एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स लाइसोजोम्स परोक्जीजोम्स राइबोसोम्स एक्सेट्रा सो स्टूडेंट्स थैंक यू